इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे चलकर विवादास्पद रहती हैं। सच्चाई उसकी कुछ और होती है और उसे लोकप्रिय बना दिया जाता है। हम लोग जानते हैं इतिहास वही घटना है जिसका साक्ष्य उपलब्ध है। अब हम लोग कभी कभी साहित्यों में जिन चीजों का वर्णन है उसे भी इतिहास मान लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी कहानियां जो लोकप्रिय हो गई हैं आगे चल के उसे भी हम लोग इतिहास मान लेते हैं, और जो लोकप्रिय हो जाती है उस पे हम लोग देखते हैं कभी कभी फिल्म बन जाती है। और ऐसी बहुत सारी कहानियों पे फिल्म बनी है जिसका शायद इतिहास में उतना महत्व नहीं था, या फिर वो घटनाक्रम इतिहास में घटित ही नहीं हुई है। जैसे कि एक फिल्म थी जोधा अकबर, जो 10 साल 12 साल पहले की एक मूवी थी जोधा अकबर, जिसपे एक फिल्म बनी और अकबर का किरदार ऋतिक ने और जोधा का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया था। तो क्या अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या सच में अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई था? अब हम लोग देखते हैं कि जोधा आखिरकार कौन थी। तो आइए पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जोधा बाई, जिसे जगत गोसाई भी कहा जाता है, अगर आप इतिहास में देखिएगा तो जोधा बाई उदय सिंह की पुत्री है। कहां की राजकुमारी है? तो ये मारवाड़ की राजकुमारी है। मारवाड़ अर्थात राजस्थान का एक क्षेत्र जिसे हम लोग जोधपुर भी कहते हैं। ये वही जोधपुर है जो भारत में मिलने से, स्वतंत्रता के समय भारत में मिलने से मना कर रहा था। तो ये जोधा बाई है जिनके पिता का नाम उदय सिंह था, मारवाड़ की राजकुमारी थी अर्थात जोधपुर की राजकुमारी थी। अब इतिहास जोधा बाई के संबंध में क्या कहता है? इतिहास में अगर आप देखिएगा अकबर के आसपास जो भी साहित्य की रचना की गई है या फिर जो भी ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अबुल फजल की आईने अकबरी। इसमें लिखा हुआ है, अब चूंकि ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है इसमें यह वर्णन है कि जो जोधा बाई है उदय सिंह की पुत्री है और मारवाड़ की रहने वाली है, जो अकबर की पत्नी नहीं अकबर की बहू है। यहां पे ये ध्यान देना है, पिक्चर में दिखाया गया है कि जोधा बाई अकबर की क्या है, पत्नी है, जबकि इतिहास नकारता है, इतिहास कहता है ये अकबर की बहू है। यहां ये ध्यान देना है इतिहास क्या कहता है। तो अकबर की बहू है तो ये पत्नी किसकी है? तो जोधा बाई पत्नी है जहांगीर की, अकबर की नहीं, ये जहांगीर की पत्नी है जोधा बाई और ये मां की शाहजहां की। सच्चाई ये है, पिक्चर बन गया अकबर पे और पत्नी दिखा दिया गया जोधा बाई, जबकि जोधा बाई नामक जो कन्या है वो अकबर की पत्नी ना होके अकबर की बहू है, ये इतिहास बोलता है। अब लोकप्रिय साहित्य में क्या लिखा हुआ है उसे इतिहास से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा घटनाक्रम हम लोग को देखना है, अकबर कि आखिर पत्नी थी कौन? अकबर की
तीन पत्नियां थी, एक रुखैया बेगम, एक सलीमा थी जो कभी बैरम खान की पत्नी थी, और ये बैरम खान कोई और नहीं अकबर के गुरु थे, और तीसरी पत्नी थी अकबर की हरखा बाई। अब आप यदि गौर करिएगा पिक्चर में कि जोधा के जो पिता हैं, जोधा के जो भाई हैं, या जोधा जहां की रहने वाली है, एक्चुअली में नाम जोधा है, लेकिन जो भी चीज जोधा से मिलता है वो एक्चुअली में हरखा बाई से मिलता है। पिक्चर में दिखाया गया है कि जोधा बाई आमेर की रहने वाली है, जबकि सच्चाई है कि आमेर की रहने वाली हरखा बाई थी, आमेर अर्थात जयपुर, यानी कि ये सही है और ये जोधा बाई गलत है। फिर पिक्चर में दिखाया गया था कि जोधा बाई के पिता का नाम भारमल था, जबकि सच्चाई ये है कि ये तो भारमल है, राजा है कहां से, आमेर के, और इसके इसके पिता का नाम उदय सिंह था, ये इतिहास बताता है। यानी इतिहास बताता है कि अकबर के पत्नी का नाम हरखा बाई है, न कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई है। यानी कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई न होके हरखा बाई था। पिक्चर में सब कुछ सही है, लेकिन एक ही चीज गलत है, अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं था, यह इतिहास बताता है। उसमें भगवान दास का भी नाम है, भगवान दास यही हरखा बाई के भाई थे, न कि जोधा बाई के भाई थे। तो यहां पे स्पष्ट रूप से हमें जानना है कि हरखा बाई जयपुर के रहने वाली थी, हरखा बाई जयपुर की थी, और जयपुर के जो छह शहर जिसे आमेर कहा जाता है, आमेर की राजकुमारी थी, जबकि पिक्चर में इनका जो भी प्रमाण है वो जोधा बाई से दिखाया गया है। और हम लोग को यदि याद होगा 10 साल 12 साल पहले जब ये पिक्चर आई थी तो जोधा अकबर को लेकर काफी विवाद हुआ था। तो आखिर क्या कारण है कि जो इतिहास में प्रमाणिक नहीं है, जो लोकप्रिय है लेकिन विवादास्पद है, उस पे फिल्म वाले पिक्चर बनाते हैं और उससे वो लोग पैसा कमाते हैं, यानी लोकप्रियता को वो लोग भुनाते हैं और इतिहास को दरकिनार करते हैं। इसी में एक पिक्चर थी पद्मावती, जब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो पद्मावती के विषय में भी जानेंगे कि आखिरकार पद्मावती कौन थी, या थी भी या नहीं। या अभी एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स, उस पर भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डिस्कशन ये है कि इतिहास में अकबर की पत्नी का नाम हरखा बाई है, न कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा बाई है। इतना बड़ा पिक्चर बन गया, सुपरहिट हो गया, इसमें ऋतिक रोशन भी थे, ऐश्वर्या राय भी जोधा बाई का रोल निभा रही थी, लेकिन क्या ऐश्वर्या राय की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो जाने कि जिसका पात्र वो निभा रही है क्या सच में वो पत्नी अकबर की थी या नहीं थी, या वो बहू थी। तो एकदम स्पष्ट है कि अकबर की पत्नी हरखा बाई है, जोधा बाई जहांगीर की पत्नी है, और यही जहांगीर और जोधा बाई, या जिसे हम लोग जगत गोसाई कहते हैं, उनके पुत्र शाहजहां थे। धन्यवाद।